कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। आपने मेरी पिछली वाली वीडियो तो ज़रूर देखी होगी जिसके अंदर मैंने फुट मसाज के बारे में बताया था, लेकिन अब मैं उसको डीपली में बताना चाहूँगी। अब मैं आपको डीपली के अंदर बताऊँगी कि हमें प्रॉपर अपने फुट की मसाज कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो फुट की मसाज होती है, जो भी जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे बॉडी का, पूरी बॉडी का जो कि सिस्टम होता है वह हमारे पाँव से कनेक्टेड होता है। और अगर हम अपने पाँव की अच्छे से मसाज करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो भी इंटरनल हेल्दी हो जाएगी और हमें बीमारियों से दूर रखेगी। और क्योंकि हमारी जो पाँव होता है, पाँव के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट होते हैं जो कि हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, और अगर हम उनको प्रेस करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को भी रिलीफ मिलता है, और अगर उनको कोई जैसे कि बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा प्रेशर पॉइंट है जो कि किससे कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टावल लेना है या फिर आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, और उसके ऊपर अपने पाँव को रखिए, ठीक है। और यह सेल्फ मसाज है। अगर आप किसी और की भी करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हाथों के अंदर तेल लेना है और अच्छे से रब कर लेना है। रब करने से हीट प्रोड्यूस होती है, और अगर हम इस हीट प्रोड्यूस को, जैसे कि गर्म ऑयल को अगर अपने पाँव के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वह काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो गाइस, हम अपने पाँव के ऊपर है जो कि ऑयल को अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले मैं एक पाँव की करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद दूसरी की करूँगी। अगर आपको ऑयल कम लगता है तो आप और भी ऑयल है जो कि वो ले सकते हैं, और इसके लिए कोई ऑयल फिक्स नहीं है, आप जो चाहे वो ऑयल ले सकते हो। पहले आप अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर लीजिए ताकि आपका जो हाथ है वो प्रॉपर चले आपकी मसाज के लिए। और लुब्रिकेशन है जो कि वो अच्छा सा बन जाए, और ताकि मसाज है वो प्रॉपर हो सके हमारे पाँव के ऊपर। तो जैसे मैं सबसे पहले अपने पाँव के ऊपर करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारा होता है अंगूठा। अंगूठा हमारे, जैसे कि अंगूठा सबसे पहले है, तो उसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है वो कनेक्टेड है यहाँ वाले प्रेशर पॉइंट से। अगर हम इसको प्रेस करते हैं और इसकी अच्छे से मसाज करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करता है, और जो भी हमारी ब्रेन की थकावट होती है वो भी दूर हो जाती है, और जो स्ट्रेस होता है वो भी दूर हो जाता है, और हमें अच्छा फील होता है। और अगर यह सब, जैसे कि मसाज अगर आप सोने से पहले करते हो तो आपको एक अच्छी और प्रॉपर नींद आती है। तो यह सब मसाज, ये 5 मिनट की भी आप, जैसे कि मसाज अगर अपने पाँव को कम से कम अगर 5 मिनट भी दे तो आप एक अच्छी नींद ले सकते हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। तो जैसे इसकी मैंने कर ली है, अब बारी आती है इस वाले एरिए की। और ये वाला एरिया हमारी नेक से कनेक्टेड होता है। जब हम इसकी अच्छे से ऐसे मसाज करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो बिल्कुल ही रिलैक्स फील करती हैं, और हमें बहुत आनंद आता है। आप इसकी अच्छे से मसाज कीजिए। और ये वाला एरिया होता है, यह प्रेशर पॉइंट हमारी नोज से कनेक्टेड होता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं अच्छे से तो हमारी जो नोज़ की प्रॉब्लम होती है उनसे हमें निजात दिलाता है। जैसे कि हमारी नोज़ के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, तो उनको भी यह ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और यह हमारी नोज़ में होने वाली जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में हेल्प करता है। और अब बारी आती है इस वाले एरिया की, जो दोनों उंगलियों के यहाँ पर होता है। ये वाला प्रेशर पॉइंट है जो कि हमारी आई से कनेक्टेड होता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारी आईज़ होती है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करती है। जैसे कि क्या है कि आज के टाइम के अंदर हम स्क्रीन का इतना काम करते हैं कि हमारी आईज़ है जो कि वो बिल्कुल थक जाती है। तो हमें 1-2 मिनट तक अगर हम इसको प्रेस कर लेते हैं तो हमारी जो आईज़ होती है उसको बहुत रिलैक्स मिलता है, और हमारी आईज़ की जो थकावट होती है वो भी दूर हो जाती है।
और अब बारी है आती है नेक्स्ट प्रेशर पॉइंट की, जो यहाँ पर होता है। यहाँ वाला प्रेशर पॉइंट है जो कि हमारे ईयर से कनेक्टेड होता है। अगर हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं या फिर यहाँ पर ऐसे मसाज करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो सुनने की क्षमता होती है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और हमारी जो कानों की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। तो हमें एक मिनट तक इसकी भी अच्छे से मसाज करनी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रेशर पॉइंट हमारे यहाँ पर होता है, यहाँ वाला प्रेशर पॉइंट होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो अगर हमें ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन नहीं है, या तो ज़्यादा है या कम है, तो हमें हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमें एक मिनट तक इसको भी अच्छे से प्रेस करना चाहिए, इसकी अच्छे से मसाज करनी चाहिए। और नेक्स्ट है जो कि प्रेशर पॉइंट, जो कि हमारे जैसे ये उंगलियों के जो टिप होते हैं बिल्कुल ऊपर वाले, बिल्कुल यहाँ वाले जो ये टिप होते हैं, ये वाले टिप जैसे कि हमारी नोज़ होती है, नोज़ के अंदर जो भी डिजीज़ होती है उनको उनसे दूर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अगर हम अपनी उंगलियों के टिप की है जो कि मसाज करते हैं। और नोज़ की जो भी डिजीज़ होती है उनसे हमें यह प्रिवेंट करती है। जैसे मैंने प्रेशर पॉइंट इस पाँव के दबाए हैं, उसी तरह मैं दूसरे पाँव के भी ऐसे ही प्रेशर पॉइंट दबाऊंगी। जैसे कि आपको पता ही है कि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अगर मैं और ज़्यादा प्रेशर पॉइंट बताऊंगी, क्योंकि हमारे पाँव के अंदर बहुत सारे प्रेशर पॉइंट हैं जो हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड हैं, तो मैं बारी बारी सबको बताऊंगी। और अगर इसी वीडियो में सारा बता दिया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आगे के जो प्रेशर पॉइंट है वो आने वाली अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। इतना आप इन वाले प्रेशर पॉइंट की है जो कि अपने जैसे कि डेली चार्ट के अंदर या डेली आप इनको है जो कि कर सकते हैं और अपने शरीर को है जो कि हेल्दी बना सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।